नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। पशु आश्रय की योजना हो रही फेल। विगत माह में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवारा पशुओं के आश्रय व गौशालाओं के निर्माण हेतु एवं पशुओं को गौशालाओं में रखने हेतु होने वाला खर्च का बजट उत्तर प्रदेश के जिले के सभी जिला अधिकारियों को प्रदान करते हुए आदेशित किए थे कि गौशालाओं का निर्माण कर प्रदेश में जिलों व क्षेत्रों के आवारा पशुओं को आश्रय देकर समुचित व्यवस्था की जाए, परंतु जिला अधिकारियों के पास बजट आने के बावजूद भी जिले तहसील के अधिकारी व कर्मचारीगण शासन से आए हुए रुपयों को खा पी कर डकारते हुए कुंडली मार कर बैठे हुए हैं तथा आवारा पशु हेतु गौशालाओं व आश्रय की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवारा पशुओं के आश्रय व गौशालाओं का निर्माण कार्य जिलों व तहसील के अधिकारी व कर्मचारी के गैर जिम्मेदार व लापरवाही के कारण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवारा पशुओं के आश्रय व गौशालाओं की गई व्यवस्था पूर्ण रूप से हुई विफल, जिससे आवारा पशुओं से परेशान किसानों की भूमि पड़ी रहने के कारण क्षुब्ध होकर जनपद चित्रकूट तहसील मऊ से किसान यूनियन के किसान अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन व अनशन में बैठ गई है। किसानों का कहना है कि समय रहते यदि सरकार आवारा पशुओं से होने वाली पीड़ा को समस्या का निदान नहीं करती तो किसान प्रदेश स्तर पर विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जनपद चित्रकूट से ब्यूरो चीफ प्रिया मिश्रा की रिपोर्ट। अन्ना प्रथा की जो समस्या है और उस समस्या को लेकर के भारतीय किसान तहसील इकाई में अनशन में बैठा है और जब तक हमारी 5 बिंदुओं की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक की भारतीय किसान समस्याओं को लेकर बैठा है। और प्रथम हमारी मुख्य समस्या एक ही बिंदु की है, वो है अन्ना प्रथा समाप्ति। आपको क्या लगता है, आपकी मांगे मानी जाएंगी? अब ये तो हमने 22 तारीख को जिले में अपना जो आंदोलन चलाया था, जिला प्रशासन का जो हमें भरोसा मिला उससे तो लगा कि हमारी अन्ना प्रथा का समापन हो जाएगा, लेकिन 8 दिन का समय बीत जाने के बाद किसी भी तरह समस्या निदान नहीं देखा गया, उसके तहत भारतीय किसान मजबूर होकर के बाध्य होकर के ये अनशन चलाने के लिए विवश हुआ। और उम्मीद करते हैं कि समस्या इन्हीं बिंदुओं पर निदान संभव है, जो बिंदुओं पर हम लोगों ने 5 विषय का ज्ञापन पत्र का समझौता पत्र बनाया है, अन्यथा शायद समस्या का निदान हो पाना बड़ा संभव। अब मैं कल से देख रहा हूँ कि रोड के जो भी जानवर हैं शासन के निर्देश से सारे वो जानवर खेत की तरफ लिए जा रहे हैं, तो हम खेत के फसल बचाने के लिए बैठे हैं और वो रोड से जानवर खेत की तरफ लिए जा रहे हैं, तो हमारी फसलें कहाँ बच पाएंगी? आपसे मिलने जिले कोई अधिकारी आए? हमसे मिलने के लिए कल तहसीलदार और BDO साहब आए, उन्होंने ये कहा कि आप आंदोलन समाप्त करिए, जो भी जिले की कार्ययोजना बने उस कार्ययोजना के सापेक्ष में आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। कार्ययोजना तो इन लोगों ने बनाया, संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाया, लेकिन उन पशु आश्रय स्थलों में या उन नवीन मंडियों में कहीं भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ नहीं है। और जब हमारा किसान जानवर लेके जाता है तो पालतू जानवर कह करके ये आपके पालतू जानवर लेके आए, इनको बाहर किया जाए और वो जानवर वापस चल जाता है, किसान और जानवर दोनों वापस चले जाते हैं। आपका नाम और पद? राम सिंह पटेल, भारतीय किसान जिला अध्यक्ष चित्रकूट।